वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज़। इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करता है? फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस का नेचर होगा उतना फिक्स कैपिटल अफेक्ट होगा। अगर स्टार्टिंग में बिजनेस का जो साइज है वो स्मॉल है, लेकिन धीरे धीरे कैपिटल लगाने से, ज़्यादा कैपिटल आने से धीरे धीरे नेचर बिजनेस का चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर बिजनेस के अकॉर्डिंग पैसा लगाना पड़ेगा। सो रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल मोर होती रहेगी जैसे जैसे बिजनेस का नेचर अफेक्ट होगा। द टाइप ऑफ बिजनेस कंपनी इज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट फैक्टर विच हेल्प इन डिसाइडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। जितना ज़्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी उसके बेसिस पे डिसीजन अफेक्ट होगा। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीड्स मोर फिक्स कैपिटल एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग कंपनी। और एक बात यहाँ पे ये भी है कि ट्रेडिंग जो कंपनी है ना, कंपनी ट्रेड करती है, ओनली ट्रेड करने का काम करती है, उन कंपनी से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर यहाँ पे फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है। क्योंकि अगर एक कंपनी ट्रेड कर रही है और वही कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाए किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पे उसका जो फिक्स कैपिटल का रेशियो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फिक्स असर लाने के लिए उसको अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होगा, उसको मशीनरी परचेस करनी पड़ेगी, उसको बड़ा प्लांट परचेस करना पड़ेगा, लैंड परचेस करनी पड़ेगी, उसको इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिक्स कैपिटल अफेक्ट होती है। स्केल ऑफ ऑपरेशन बिजनेस को चलाने के लिए, यहाँ पे कंपनी को लार्ज स्केल पे बिजनेस को चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होता है। असेट्स को मेंटेन करने के लिए स्मॉल स्केल एंटरप्राइज को तो लेस अमाउंट चाहिए होता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी एंटरप्राइज होती है उनको फिक्स कैपिटल में यहाँ पे ज़्यादा चाहिए होता है। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन भी देखना पड़ता है कि बिजनेस के ऑपरेशन के अकॉर्डिंग फिक्स कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है। इसके बाद चॉइस ऑफ टेक्निक की चॉइस, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करो या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करो। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में ज़्यादा लेबर का यूज़ होता है कैपिटल के बजाय, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल का ज़्यादा यूज़ होता है लेबर के बजाय। तो दोनों को देखती है कंपनी और दोनों के हिसाब से काम करती है। अगर कंपनी को लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा होती है तो लेस अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल चाहिए होता है, क्योंकि लेबर ज़्यादा है। अगर कंपनी कैपिटल ज़्यादा लगाती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से ज़्यादा काम करती है, तो कंपनी को यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव के कारण जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदने पड़ते हैं उनके कारण उनके फिक्स असेट्स बढ़ती है, और फिक्स असेट्स फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करता है, इसलिए फिक्स कैपिटल के ऊपर भी उनका खर्चा बढ़ता है। तो चॉइस ऑफ टेक्निक देखती है कंपनी, कितना चॉइस ऑफ टेक्निक है, कितना कैपिटल का यूज़ कर रही है या फिर फिक्स का यूज़ कर सकती है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात की जाती है, कई बार कंपनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस ला रही है तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और इसका वाइस वर्सा भी होता है। कई बार कंपनी को कैपिटल टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती तो वहाँ पे कंपनी फिक्स कैपिटल को कम कर देती है। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज असेट्स बिकम ऑब्सोलीट सो देयर रिप्लेसमेंट बिकम फास्टर। कई बार जो असेट्स होते हैं वो कई बार ऑब्सोलीट होते हैं, ऑब्सोलीट है ये OBSOLETE ऑब्सोलीट, सो देयर रिप्लेसमेंट बिकम फास्टर। कई बार कुछ इंडस्ट्री में असेट्स ख़राब हो जाती है, कम हो जाती है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, असेट्स को रिप्लेस करा देती है, तो उसमें असेट्स के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनी को रहती है। हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स रिक्वायर्ड सच केसेस, और ज़्यादातर फिक्स असेट्स के अंदर कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ती ही रहती है। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कंप्यूटर्स पुराने होते जा रहे हैं तो टाइम टाइम पे उनको रिप्लेस कराना पड़ रहा है। और अगर देखा जाए फर्नीचर की बात की जाए, तो फर्नीचर भी कोई चीज़ पुरानी, तो फर्नीचर के साथ भी इसी तरह का केस होता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे असेट्स को चेंज करवाना हो, असेट्स को रिप्लेस कराना हो, वहाँ पे कंपनी को हायर फिक्स असेट्स यहाँ पे चाहिए होता है। हायर फिक्स असेट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे चाहिए होती है, और फिक्स असेट्स के लिए फिक्स कैपिटल यहाँ पे ज़रूरत में आता ही है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को लेकर भी कंपनी फिक्स कैपिटल लगाती है। अगर ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगाएगी अच्छा, तो ग्रोथ के लिए वो ग्रोथ रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी यहाँ ध्यान देती है कंपनी। कंपनी के दिमाग में ये भी रहता है कि रिटर्न कितना मिलेगा उस चीज़ का, तो रिटर्न को देख कर यहाँ पे फिक्स कैपिटल लगाती है। हायर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर हायर इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा हायर ग्रोथ की ऑब्जेक्टिव को लेकर तो हायर इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा लगेगी फिक्स असेट्स के ऊपर। सच ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड कंपनी हायर प्रॉफिट, हायर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कंपनी, हाई कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, हायर प्रॉफिट के लेवल को बढ़ाने के लिए कंपनी इस तरीके के लिए फिक्स कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करती है। सो लार्ज इन्वेस्टमेंट, यानी कि लार्ज फिक्स कैपिटल चाहिए होती है कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
इसके बाद बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी जब डाइवर्ट करती है अपने आप को कुछ ऑपरेशन से दूसरे ऑप्शन की तरफ, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग स्टार्टिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो वहाँ पे फिक्स कैपिटल यहाँ पे बढ़ानी पड़ती है। कई बार कंपनी डाइवर्स कर दी अपने आप को, तो चेंज करने में या प्रोडक्ट को बढ़ाने में या कोई ऑल्टरनेट है कंपनी के पास दूसरे बिजनेस का उसको अडॉप्ट करने में कंपनी अपने आप को चेंज करती है, और जैसे जैसे चेंज करती है वैसे वैसे कंपनी आपको बढ़ाती है। सो विद डाइवर्सिफिकेशन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज, जैसे जैसे डाइवर्सिफिकेशन होता है वैसे वैसे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती है। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, फाइनेंसिंग की बात को लेकर यहाँ पे कंपनी करती है। फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंसिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि किसी भी तरीके से कंपनी फाइनेंशियल मार्केट में किसी चीज़ को खरीद रही है, लीज पर ले रही है, कोई असेट्स को लीज पर ले रही है, तो उस पर लीज एंड रेंट यूज देना पड़ता है। किसी चीज़ को परचेस करा तो उसका अमाउंट देना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई चीज़ लीज पे ली, कोई असेट खरीद ली लंबे टाइम के लिए, तो उसका लीज रेंट देना, तो उसके लिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। एक डेवलप फाइनेंशियल मार्केट में प्रोवाइड लीजिंग फैसिलिटी एज एन ऑल्टरनेटिव, एक डेवलप फाइनेंशियल मार्केट लीजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कंपनी के लिए, जिससे कंपनी उसमें इन्वेस्ट करके आगे बढ़ती है। व्हेन एन असेट इज टेकन ऑन लीज द फर्म पेस लीज रेंटल एंड यूजेस इट, धीरे धीरे कंपनी उसके ऊपर लीज के ऊपर रेंट पे करती है। इट अवॉइडेड यूज सम रिक्वायर्ड, जितना भी ज़्यादा सम चाहिए होता है उसको परचेस करने के लिए वो उतना लगाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ लीज फैसिलिटी में रिड्यूस द फंड टू बी इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट्स, जितना ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहेगी लीजिंग फैसिलिटी उतना ज़्यादा कंपनी को इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा। तो इस अगर इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है तो कंपनी यहाँ पे फिक्स कैपिटल को भी कम लगाती है। तो लीजिंग फैसिलिटी आजकल मिल जाती है असेट्स के ऊपर, तो ये एक अफेक्ट करता है नेगेटिवली फिक्स असेट्स को परचेस ना करना और फिक्स असेट्स पर लीज पेमेंट करना लंबे टाइम के लिए। तो ये क्या करता है, जब लीज पे करती कंपनी तो असेट्स परचेस नहीं करती, और असेट्स परचेस नहीं करती तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंपनी को कम रहती है। तो कई केसेस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनी को नहीं रहती या जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिक्स असेट्स को कंपनी कम यूज़ में लेती है या कम परचेस करती है। तो इस वीडियो में हमने बात करे 7 पॉइंट, 8th पॉइंट अपना नेक्स्ट है लेवल ऑफ कोलेबोरेशन। लेवल ऑफ कोलेबोरेशन में कंपनी देखती है कि दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कोलेबोरेट कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा मिल रहा है। ए बैंक में यूज़ अनदर ATM मेजॉरिटली विद एस्टेब्लिश पर्टिकुलर फैसिलिटी, फॉर एग्जांपल एक बैंक दूसरा यूज़ ATM यूज़ कर रही है और जॉइंटली किसी फैसिलिटी को यूज़ कर रही है, तो कंपनी का खर्चा बच गया, बैंक का खर्चा बच गया ATM एस्टेब्लिश करने का, तो इस कारण लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कम पड़ गया। तो इन्वेस्टमेंट के लेवल को देख के भी कंपनी फिक्स कैपिटल यूज़ करती है, जितना लेवल इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा उतना फिक्स कैपिटल अच्छा होगा, जितना लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होगा उतना फिक्स कैपिटल कम होगा। तो इस वीडियो में हमने बात करी फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में।